स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। अगर आज आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इस तरह का कोई भी वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके साथ एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो चलिए बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखिए, अगर कोई, ये एक बॉक्स है मान के चलिए, ठीक है, यह एक बॉक्स है और इसके ऊपर सतह से लगा हुआ यानी सतह से सटा हुआ अगर कोई वस्तु रखा जाता है, यह एक गेंद है यानी कि यह एक बॉल है, ठीक है, यह एक बॉल है। अगर बॉल किसी टेबल पे हो या फिर किसी भी सतह से सटा हुआ हो, किसी बॉक्स पे हो, तो जब यह सतह से सटा हुआ हो, सतह के संपर्क में हो, तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, द बॉल इज ऑन द बॉक्स, ठीक है। तो यहां पर प्रीपोजिशन यूज होगा ऑन, क्योंकि यह सतह से बिल्कुल सटा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं कि यह सतह से थोड़ा सा ऊपर हटा हुआ है, ठीक है, सतह से ऊपर हटा हुआ है यानी सतह के ऊपर रखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ओवर का, जो कि बिल्कुल सटा हुआ नहीं होता है, ठीक है, ऊपर ही होता है लेकिन बिल्कुल उसके साथ सटा हुआ नहीं होता है, संपर्क में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें दे देंगे सिंपली ओवर का, क्योंकि यह क्या है, संपर्क हटा हुआ है, तो ओवर का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए एक बॉक्स है, उसके अंदर एक गेंद रखा हुआ है, यानी बॉक्स चारों तरफ से लॉक होता है और उसके अंदर एक गेंद रखा हुआ है, तो क्या होगा, इन, क्योंकि जब कोई चारों तरफ से सतह घिरा हुआ हो तो उसके लिए, खास करके जब ऑब्जेक्ट वाली बात हो, तो जब सतह के साथ घिरा हुआ हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं इन का। चलिए अगला हम लोग देख लेंगे, जो कि है एक टेबल है और टेबल के नीचे एक गेंद है, ठीक है, टेबल के नीचे एक गेंद है, क्या है, टेबल के नीचे गेंद। तो क्या होगा, जब भी टेबल के नीचे गेंद है तो क्या है, टेबल के ऊपरी सतह से सटा हुआ नहीं है, ठीक है, तो टेबल के नीचे है तो क्या होगा, अंडर द टेबल, तो यहां पे क्या प्रयोग होगा, अंडर, ठीक है, अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल, यानी कि गेंद जो है टेबल के नीचे है। तो चलिए अगला देखते हैं कि दो बॉक्स है और उसके बीच में कुछ रखा हुआ है, दो बॉक्स है और उसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगा, दो चीज के बीच में अगर एक कोई दूसरा चीज रखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, जैसे राम इज बिटवीन श्याम एंड हरी, या फिर द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेज, ठीक है, जब दो चीज अगल बगल हो और उसके बीच में कोई तीसरा चीज हो तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन, बिटवीन मीन्स के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु किसी चीज के आगे हो, ठीक है, आगे हो यानी कि कोई वस्तु है उसके जस्ट आगे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, एक तो इसमें होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, एक प्रयोग होता है इन फ्रंट ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं आफ्टर, आफ्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, आफ्टर का भी प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर गेंद पहले है यानी कोई वस्तु पहले है और उसके बाद कोई दूसरा वस्तु है, तो उस वस्तु को बताने के लिए तो क्या हम प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, बिहाइंड ऑफ, या फिर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं आफ्टर का, क्या होता है ऑपोजिट, बिफोर, क्या होगा, बिफोर, ठीक है। अगर इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं कि मैं अन्य प्रीपोजिशन के साथ भी बनाऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।